हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस को कैसे मेजर करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे ऑसिलेटर है, आउटपुट कॉइल है, इंडक्टेंस है। यहाँ पे देखिए एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच है, ये आपका सी अननोन कैपेसिटेंस है जिसको मेजर करना है। और ये जो है उसके पैरेलल में एक आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर लगा हुआ है। स्टैंडर्ड कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि वेरिएबल है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है। तो इसमें स्विच लगा हुआ, दो कंडीशन होगा। एक तो जब स्विच ओपन रहेगा तब हम लोग कैपेसिटेंस मेजर करेंगे, और जब स्विच को क्लोज करेंगे तब कैपेसिटेंस मेजर करेंगे। तो जब हम लोग स्विच को ओपन रखेंगे तब देखेंगे जो क्या वैल्यू आता है, और जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तब देखेंगे जो क्या वैल्यू आता है। तो जब स्विच को ओपन रखेंगे तब जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा उसको हम लोग CS1 मान लिए। CS1 सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर व्हेन स्विच एस ओपन। जब ओपन रहेगा तो CS1, और जब आपका स्विच क्लोज रहेगा तब आपका क्या आ जाएगा, CS2 आ जाएगा। CS2 स्टैंडर्ड सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर विद स्विच क्लोज। जब स्विच क्लोज रहेगा तब जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग CS2 मान लिए। अब देखिए, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए यहाँ पे, ए सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग कैपेसिटेंस सी एट हाई फ्रीक्वेंसी इज शोन इन फिगर। ये आपका सिंपल सा सर्किट है जो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस को मेजर करने का बता रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ऑसिलेटर है, आउटपुट कॉइल है, एक आपका अननोन कैपेसिटर है जिसको मेजर करना है, एक स्विच है, एक आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर है जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है, और एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर है जो रिजोनेंस कंडीशन को दिखाएगा। अब देखिए, सी इज द अननोन कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस CS। सी क्या है, अननोन कैपेसिटेंस है जिसको कनेक्ट किया गया है, जो आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, जो वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर CS है, उसके पैरेलल में अननोन कैपेसिटेंस को लगाया गया है। द स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज द अननोन कैपेसिटेंस। और स्टैंडर्ड कैपेसिटर जो CS है वो, और अननोन कैपेसिटेंस, जो दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए, दो केस आएगा, एक स्विच ओपन का और एक जब स्विच क्लोज रहेगा। तो देखिए, विथ स्विच एस ओपन, जब आपका, अभी देखिए ये जो सर्किट है उसमें स्विच ओपन दिखा रहा है, तो जब स्विच ओपन रहेगा रिजोनेंस कंडीशन इज ऑब्टेंड बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस CS। जब स्विच ओपन है तो रिजोनेंस कंडीशन कैसे प्राप्त होगा, ये जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर, वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, इसको वैरी करवाएंगे। वैरी करवाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, रिजोनेंस कंडीशन मिलेगा। द रिजोनेंस कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर अक्रॉस CS। ये जो आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर CS है जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसके थ्रू आपको रिजोनेंस कंडीशन पता चलेगा। आपको CS को वैरी करवाना है, आपका स्विच ओपन रहेगा, CS को वैरी करवाना है, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में रिजोनेंस कंडीशन को देखना है। जहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग देगा वही रिजोनेंस कंडीशन होता है। तो रिजोनेंस कंडीशन मिलेगा तो CS1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πf²L। ये आप देखे थे C का वैल्यू जो है इंडक्टेंस में भी होगा, L का वैल्यू हम लोग इंडक्टेंस में निकाले थे। C इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/4πf²L। यहाँ f क्या है, फ्रीक्वेंसी एट रिजोनेंस। जो f है रिजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो है जिसको हर्ज में हम लोग मेजर करते हैं। l क्या है, l आपका ये है इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल कपल्ड द आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर, जिसको हम लोग हेनरी में मेजर करते हैं। और CS1 क्या है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर विद स्विच एस ओपन। जब स्विच क्या होगा, एस ओपन रहेगा, तब जो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा उसको हम लोग CS1 मान लिए। तो यहाँ पे देखिए, CS1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4πf²L। ये कहाँ से आया, तो रिजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। मीन्स ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ωC होगा। अब यहां से देखिए, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/ωL आ जाएगा। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, पुट कर दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल। यही तो आपका सी एस वन निकल गया जब स्विच ओपन था। अब सेकेंड केस देखिए, जब स्विच को क्लोज करते हैं, जब स्विच को क्लोज कीजिएगा ये देखिए, अब स्विच क्लोज हो गया। जब स्विच को क्लोज करेंगे और पुटिंग द अननोन कैपेसिटेंस इन पैरेलल विद सी एस कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एफ द सेम एज अर्लियर, अब क्या करना है स्विच एस को हम लोग क्लोज कर दिए। जब स्विच क्लोज होगा तो ये देखिए जो अननोन कैपेसिटेंस सी है और स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस सी एस है, दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गया, दोनों कैपेसिटेंस क्या हो गया पैरेलल में हो गया। तो रिजोनेंस कंडीशन हमको कैसे ऑब्टेंड होगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी था पहले वाला में जब आप स्विच को ओपन करके रखे थे तब जो फ्रीक्वेंसी था उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहां भी रखेंगे जब स्विच को क्लोज करेंगे, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी एफ द सेम एज अर्लियर रिजोनेंस कंडीशन आर ऑब्टेन बाय वेरिंग सी एस। अब क्या करेंगे सी एस को फिर वेरी करवाएंगे जैसे हम लोग ओपन किए स्विच ओपन था किए थे उसी तरह सी एस को वेरी करवाएंगे, रिजोनेंस कंडीशन को प्राप्त करेंगे। अब देखिए अब जो आपका रिजोनेंस कंडीशन आएगा तो देखिए अननोन कैपेसिटेंस और सी एस क्योंकि स्विच क्लोज है तो ये दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस में हम लोग जाते हैं रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा हो जाता है। रेसिस्टेंस में क्या होता है जब सीरीज में रहता है तो R इज इक्वल टू R1+R2 होता है, वही कैपेसिटेंस में जब सीरीज में रहता है तो 1/C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1+1/C2 और पैरेलल में क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू C1+C2 मींस रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा कनेक्शन वाला यहां पे हो जाता है। तो देखिए दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा C+CS हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो अब आपका जब स्विच क्लोज है तो जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है उसको हम लोग CS2 मान लिए तो CS2 इज इक्वल टू CS2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल ये जो अननोन कैपेसिटेंस है वो प्लस CS2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू L। यहां पे देखिए इक्वेशन 1 में यहां भी CS1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल और C+CS2 इज इक्वल टू सेकेंड केस में भी जब स्विच क्लोज किए तब भी आपका यही वैल्यू आया 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल। तो देखिए दोनों का RHS क्या है सेम है, RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो अब देखिए LHS में क्या है यहां पे CS1 है तो CS1 इज इक्वल टू क्या हो गया C+CS2 तो यहां से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा CS1-CS2 मींस क्या होगा C क्या है अननोन कैपेसिटेंस है तो अननोन कैपेसिटेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे डिफरेंस बिटवीन दो जो सेटिंग है जब आपका क्लोज ओपन था स्विच जब स्विच ओपन था तब जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया है CS1 और जब आपका स्विच क्लोज था तब जो कैपेसिटेंस का वैल्यू CS2 दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको क्या देगा अननोन कैपेसिटेंस मीन्स अननोन कैपेसिटेंस के लिए CS1-CS2 दोनों का जो डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।